बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको सुनने लाएगी। दरवाजे के सामने था, दरवाजे साहब, दरवाजे साहब दिखाई देगा अच्छे से। तो आपको सबसे कठिन बात बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे कठिन बात, और वो कठिन बात ये है कि आपको जैन धर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 99% बच्चे उस तरफ जाना चाहेंगे, खाओ पियो बिंदास लाइफ जियो। अगर सुना होगा है, खाओ पियो मौज करो, ये जीवन ना मिलेगा। खाओ पियो ऐस करो, मैंने आपको इस तरह की पद्धति की 99% लोग मिले। मैंने इसीलिए कहा था बेसब फेल होंगे, केवल आप पास होंगे, क्योंकि मोक्ष जाने का अधिकार आपको मिल रहा है, समीर दर्शन ज्ञान चरित आपको मिल रहा है। आपको पता है पूरे विश्व स्तर पर बच्चों का सर्वे हुआ, बच्चों का सर्वे, आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे बच्चे जैन समाज के माने गए। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाइवोर्स सन 1400 से समझ लीजिए, 1400 माने 700 साल पहले से सबसे ज्यादा डाइवोर्स होता है इस्लाम में, मुसलमान में उनके यहां बहुत होता है, इसके बाद सबसे ज्यादा होता है ईसाई में। लेकिन जैन समाज में तलाक का, तलाक तो समझते होंगे डाइवोर्स का, और डाइवोर्स का इसका हमारे पुराणों में, हमारे पुराणों में एक भी उल्लेख नहीं, उनके ग्रंथों में उनकी किताबों में तो है, हमारे ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं, कोई तलाक लेते ही नहीं था। आजकल की लड़कियों से यदि पूछा जा रहा है, जो पढ़ लिख करके बहुत बड़ी हीरोइन समझती है अपने आप को, वो कहती है सीता ने बहुत बड़ा अन्याय झेला था, सीता को बगावत करना चाहिए थी राम के सामने, अंजना को बगावत करना चाहिए थी, क्यों 22 साल तक घुटती रही, उसे खबुट खड़े होना चाहिए था, उसको तलाक दे देना चाहिए था ताकि मालूम पड़ जाए पवन कुमार हनुमान जी के पप्पा को। मैंने इस तरह की सोच है आजकल की लड़कियों की, लड़कों की, मैंने उनको ऐसा लगता है कि हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे एक बहुत अच्छी नीति है, आप पढ़ते हैं जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता है, हमारी मम्मी आपकी मम्मी ने हमको सुनाई होगी ये बात, बेटा जैसे कर्म बांधे वैसा फल आते, मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, सबकी मम्मी पापा ने कभी ना कभी कहा होगा, जब मम्मी रो रही होगी, दुखी हो रही होगी, बहुत परेशान हो रही होगी आपकी दादी से, आपके पापा से, आपकी ताई से, तो मम्मी रो रही है, फिर आपने कहा मम्मी आप कब तक इस घर में ऐसे दुखी रहोगे, तो मम्मी ने बड़े प्रेम से कहा बेटा जे कर्म पूरा किए खोटे सही क्यों नहीं जीरा, बेटा अपने वास्तव कोई कर्म का उदय नहीं है, सीता को देखो, अंजना को देखो, द्रौपदी को देखो, अरे चंदन वाला को देखो, चेलना को देखो, और एक नाम ले रहा है जिसके कोड हो गया था उसकी मिस, इसका नाम क्या था, ओ मैना सुंदरी को देखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत में और वर्ल्ड में सबसे प्यारे बच्चे माने गए जैनों के। आपने समाचार पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में वहां के बच्चे बंदूक और रिवॉल्वर लेके जाते हैं, गोलियां चला देते हैं, गुस्से में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं तो फौरन रिवॉल्वर निकलती है। अमेरिका के पूरे टीचर, जो स्कूल के टीचर है, उन्होंने डिमांड किया गवर्नमेंट से कि हमें अपना रिवॉल्वर रखने की अनुमति दी जाए, ताकि कोई बच्चा यदि हमको धमकी दे, थ्रेट करे, हम फौरन गोली मार दूंगा। देखो मैंने, आप कल्पना कर सकते हैं, सारे के सारे टीचर भाई भी, हमारा देश ऐसा नहीं, आप ऐसे कौन कौन रिवॉल्वर लाया है? नहीं नहीं रिवॉल्वर नहीं, 16 इंची रामपुरी चाकू। कोई लाया? कोई नहीं लाया। आपको पता है कुछ लड़कियों को पहनते हैं कड़ा, जैनों में कोई कड़ा नहीं पहनता, क्यों नहीं पहनता? क्योंकि जैनों की रक्षा कड़ा नहीं करता, जैनों की रक्षा करता है उसका पुण्य, उसकी पवित्रता, उसकी संस्कृति। आपको जाकर आनंद होगा, आज तक पूरे वर्ल्ड में
मानव बम बहुत फटे, आपने मानव बम तो समझते हैं, बम विस्फोट होते हैं, हिंसा होती है, अफगानिस्तान में सुना हुआ, परसों हुआ, सीरिया में हुआ, इजराइल में हुआ, पाकिस्तान में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, लेकिन आज तक आपने ये घटना नहीं सुनी होगी कि चाहे हिंदुस्तान में बम विस्फोट हुए हो या बाहर हुए, लेकिन एक भी जैन की मृत्यु इस बम विस्फोट में नहीं। ये हम जैनों का भाग्य, हमारी पवित्रता, हमारी संस्कृति, हमारा पुण्य हमारी रक्षा करता है, हमें कभी किसी से डर नहीं लगता। आपको समझ में आ रही मेरी बात? आइए थोड़ी बात हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे बड़ा कठिन काम यह होगा कि आप फैल हो, आपको लगेगा थोड़ा सा इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स। 100 विद्यार्थियों से एक जैन है, तो 99 बच्चे कह रहे होंगे चल खा रहा है क्या। एक लड़का बोला इधर आ, मर्द बन तू गाली बोल दो। आपको ऐसे लड़के मिलेंगे, ऐसे तू चैटिंग करता कि नहीं, चैटिंग फोन कर बोला अपन है चार लोग। मैंने स्कूल कॉलेज हमें जगह जगह ऐसी बात करेंगे, और आप नहीं करेंगे ना, आप नहीं करेंगे तो आपको कहेंगे आई लल्लू तू कुछ नहीं समझता। जो मैं लड़कों से कह रहा हूँ वही लड़कियां भी समझ ले। आपको क्लास में यदि 20 फ्रेंड होंगी तो 19 फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो मॉडर्न होंगी, मॉडर्न कपड़े पहनेंगी, मॉडर्न पिक्चर देखेंगी, छिपके पिक्चर देखेंगी, मोबाइल पे पिक्चर दिखाएंगे और बोलेंगे तेरे कितने फ्रेंड हैं। अरे तेरा फ्रेंड है यार, तो ये बिल्कुल चेलना बन गई यार। तो आपको इन बातों को माइंड नहीं करना है। मैं फिर कहता हूँ, मेरा पहला आपको आपको यार मैंने पहले कहाँ से शुरुआत की थी कि पूरे वर्ल्ड की परीक्षा बच्चे परीक्षा दें और सब फेल हो जाए, लेकिन जैन समाज के बच्चे पास हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगे आपको प्राउड होगा। लेकिन मैंने पहले बता दिया, पूरे वर्ल्ड के बच्चों का सर्वे होने के बाद जैन समाज के बच्चे सबसे बढ़िया निकले। क्यों? क्योंकि जैन समाज में एक भी आतंकवादी पैदा नहीं हुआ आज तक। इजराइल में आतंकवादी है, ईसाइयों में आतंकवादी है, मुसलमानों में आतंकवादी है, सब तरफ आतंकवादी है, मरने तैयार है, मारने तैयार है, लेकिन एक जैन समाज ऐसा है जो पानी छान करके पीता है, इसलिए संदेश देता अपने बच्चों को, संस्कार से संदेश देता है, उसके खून में घुला हुआ है संदेश, जियो और मरने दो। अच्छा सॉरी सॉरी मैं भूल गया, जियो और जीने दो, क्या क्या बोले मैं भूल ही गया, मरो और जीने दो, हाँ जियो और ये हमारी संस्कृति में भूली है। आपको सच में जितना आनंद आएगा, पूरे वर्ल्ड में जैन समाज का इतना रिस्पेक्ट के साथ नाम ले देंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका के हवाई अड्डे पर 3 घंटे तक एक जैन समाज के युवक को या महिला को रोका गया, लेकिन सलमान खान को रोका गया, शाहरुख खान को रोका गया, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को रोका गया, अपने दो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रोका गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, भारत के भी 2 मंत्री और हैं उनको रोका गया। आपको पता है जब एक बच्चा गलत होता है तो पूरी समाज पर क्या आंच आती है। आज आज हिंदुस्तान का जितने लोग अमेरिका गए हैं एक भी टैक्सी ड्राइवर नहीं है, ऑटो ड्राइवर नहीं है, और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तान में और अमेरिका में काम कर रहे हैं वे टोटली ऑटो रिक्शा ड्राइविंग कर रहे हैं या टैक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं या वहां पर गार्डनिंग कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप इसका फर्क पड़ता है कि मुसलमानों को आज कोई नौकरी नहीं देना चाहता, सब डरते हैं उसे नौकरी रखने पर। अब आप बताइए आपको कल्चर का सुख मिलेगा, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यदि आप ये चाहते हैं तो जो आज तक अनादिकाल से हमारे महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक, और महावीर भगवान से हमारे आचार्य कौन कौन स्वामी तक, और पूज्य कान्ही स्वामी तक, हमारे वर्तमान के विद्वानों तक जो धारा बहकर आई, आपके पिताजी तक आई वो धारा, आप बोलिए आप वर्ल्ड के सामने फेल होना पसंद करेंगे या अपनी गरिमा, अपना व्यक्तित्व, अपना जैनत्व, इसकी रक्षा करके, इसे बता करके, मॉडल बन करके आप पास होना पसंद करेंगे? यानी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए आपको देख कर लगे अरे यार कैसा जैन अंडा खा रहा है, ये देखो लड़की छेड़ता है, गंदा गंदा,
मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं, आसाराम का नाम लेते ही आप सब समझ जाती। हमारे यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके समझ में आ गई होगी बात। तो इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत है जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेरी क्या कहना चाहिए, अभी तक तो मैंने भूमिका बनाई, अब मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है। बेटे सुना तो आपने होगा, सोना अग्नि में जाए बिना कुंदन नहीं बनता, सुना होगा आपने। इसका मतलब है स्ट्रगल किए बिना आदमी परफेक्ट नहीं होता, आदमी महान नहीं बनता। आप लोग महान बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते? पक्का पक्का सोच रहे हैं बनना है कि नहीं बनना है? एक साथ आवाज आनी चाहिए, आप परफेक्ट और महान व्यक्ति बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते? आइए तो हम थोड़ी सी आपको बातें बता दें। नंबर वन ऐसे नहीं बैठेंगे, इंग्लिश में कहते हैं कंफर्ट जोन, समझते होंगे, सुना होगा आपने कंफर्ट जोन, कंफर्ट एरिया। बेटे सबसे पहला तो हमें आपको कंफर्ट एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन कहिए, कंफर्ट सोच कहिए, वो आप समझ लीजिए। जैसे आपके सामने आप 10th के बच्चे मान के चलिए 10th, और आपको कोई आके बताए एक पेपर है फिजिक्स का लेना है तुझे 500 रुपए लगेंगे, ले यार 500 दे। तो आप कभी महान नहीं बचे क्योंकि ये कंफर्ट एरिया है। नकल करके पास करना, पेपर आउट करके पास करना, टीचर से पेपर आउट कर लेना, या पैसे देकर के नंबर बढ़वा लेना, ये आप ये समझिए कि जो बच्चे ऐसा करते हैं वो कुल्हाड़ी को अपने पैरों पर मारते हैं। अब आप जिंदगी में कभी प्रोफेसर नहीं बन पाए क्योंकि जिस बच्चे को ये आदत लग जाती है पेपर आउट हो ही जाता है, नंबर मिल ही जाते हैं, देख मैंने 10,000 रुपए दिए, 90% की डिग्री मिल गई मुझको, मेरे पापा की बड़ी पहुंच है यूनिवर्सिटी तक कॉलेज तक, मेरे पापा ने ऐसे कर दिया। मैं जब पढ़ता था हमारे सामने नकल बहुत होती थी कॉलेज में, बहुत नकल होती थी, लड़के नकल करते थे। उस समय भी मैंने नकल नहीं की, उस समय भी मैं साल भर में एक सब्जेक्ट का कम से कम 8 से 10 राइटर पढ़ता था, एक सब्जेक्ट के 8 से 10 राइटर कॉलेज में, मेरी 100% स्टडी होती थी 100। इसके बाद मेरा कमांड बहुत अच्छा हुआ, तो जैसे ही मैंने M.Com कर लिया 5 साल का मेरा पूरा कमांड जोरदार था। अब मैं यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन आ गई, सिल्वर मेडल, अपने कॉलेज का तो टॉप था ही, मैं 35,000 विद्यार्थियों में टॉप किया, 2nd पोजीशन आई। कॉलेज से फौरन ऑफर आया कि तुम पढ़ाने के लिए आओ। मैं 20.5 साल का था और मैं कॉलेज में पढ़ाने का ऑफर आ गया, आप आइए। इसके पीछे एक ही कारण था, यदि मैं सोचता ना यार नकल तो होती है तो मैं साल भर पढ़ाई नहीं करता, मैं टीचर से को खुश नहीं करता, टीचर का विनय नहीं करता, मैं पेपर आउट करने के चक्कर में रहता। फिर जो लड़के पेपर आउट करते हैं उनका ग्रुप गंदा होता है, वो माँ बहन की गालियां बोलेंगे, मोटरसाइकिल के ऊपर दौड़ेंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाएंगे, टीचर को खुश करने के लिए पैसे भिजवाएंगे, मतलब वो गलत काम में अपना पूरा दिमाग लगाएंगे। परिणाम ये निकलेगा कि वे कभी पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाएंगे, और जो क्लास अटेंड करेंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे, तो बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो बटन खोल के बैठेंगे, क्या पढ़ा रहा है रे, टीचर को ऐसे देखेंगे। परिणाम ये निकलेगा कि उनको क्या लग रहा है, हम तो पास हो जाएंगे, हम तो ट्यूशन से पास हो जाएंगे। तो पहली बात ये समझ लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। जिंदगी में आपको एकदम मिले कुछ लेकिन आप चैन है, नकल से पास नहीं करना है, पेपर आउट करके पास नहीं करना है, हमें किसी से नकल नहीं मांगनी। इससे क्या होगा, आपका फुल फोकस पढ़ाई पर होगा। जिंदगी में पढ़ाई कभी कठिन नहीं होती, चढ़ाई कभी कठिन नहीं होती, हम चांद पर जा सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो उस हिसाब से कह रहे हैं, वैसे चांद पर जा नहीं सकते, नहीं तो बाद में आप मेरे से पूछो पंडित जी चांद पे तब भी चलोगे। लेकिन आप अंतरिक्ष में जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं हमारा मतलब ये सब कुछ कर सकते हो आप, लेकिन फोकस हो तो सब सर है, आप अपना फोकस खत्म नहीं करना। एक बात ये भी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जब कभी जॉब करो शॉर्टकट नहीं अपनाओ, शॉर्टकट नहीं अपनाइए, रिश्वत देकर के काम नहीं करिए और ना कराइए, ये है कंफर्ट जोन से बाहर। महान बनने के दो बातें बताई, ऐसे हर क्षेत्र में हो सकता है, हर क्षेत्र में।
रेलगाड़ी में जा रहे हैं, सबसे सरल काम है विदाउट टिकट चलना, लेकिन सरल नहीं है, बहुत कठिन है, इंसल्ट होगी बाद में आपको। ऐसे में एक नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ आपको। गंदे लड़कों की दोस्ती करना कम्फर्ट लगेगी आपको, माँ बहन की गाली बोलना कम्फर्ट लगेगी, गंदी बातें करना कम्फर्ट लगेगी, मोबाइल पर चैटिंग करना आपको कम्फर्ट लगेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जो महान व्यक्ति होते हैं, परफेक्ट व्यक्ति होते हैं, वो इस जोन से कहाँ निकल करके आते हैं, बाहर निकल करके आते हैं। बस आपको कोई नहीं हरा पाएगा, दुनिया में कोई आपको नहीं हरा पाएगा, आप जीत जाए। पहली बात समझ में आ गई आपको, अब दूसरी बात करेंगे। बंद दूसरी देखो, दूसरी बात के अंदर मुझे ये कहना है, मेरी उंगलियां देखिए आप गौर से, सभी को बोलना है, मैं बता रहा हूं उसे सुनना है। हमारे सामने तीन ऑप्शन है, एक है विकृति, एक है प्रकृति और एक है संस्कृति। ये क्या था? विकृति। ये क्या है? प्रकृति। और ये क्या है? संस्कृति। संस्कृति अपन चाहे तो यहां से ले लेते, ये प्रकृति है, ये विकृति है, ये संस्कृति, ऐसे कर लेते अपन। ध्यान से सुनेंगे, भूख लगती है ये हमारी प्रकृति है, हमें भोजन करना ये प्रकृति है। क्या बोला हमने? नींद तो नहीं आ रही किसी को? पक्का? ये क्या है? प्रकृति। हमें भूख लगती है प्रकृति है, हमें ठंड लगती है प्रकृति है, हमें गर्मी लगती है प्रकृति है, हमें भूख प्यास लगती है, हमें भोजन पानी करने की जरूरत है, प्रकृति है। बराबर? हमें नींद आ रही तो हमें सोना है, ये प्रकृति है। प्रकृति जल्दी समझ गए सब लोग? अब दो चीजें हमारे पास, विकृति और संस्कृति। विकृति यह है, जब भूख लग रही है तो हम चाय जहां खाएं, चाहे जैसा खाएं, चाहे जितना खाएं। कई बच्चे तो नहीं करते होंगे, इतने अच्छे हैं बच्चे तो, लेकिन कभी कभी आपने सुना तो होगा, एक आदमी की डेथ केवल इसलिए हुई कि उसने 10 बोतल कोल्ड ड्रिंक दी, और इसलिए भी कि वो टफर सिस्टम था, टफर सिस्टम में फ्री ऑफ चार्ज मिलती है, फ्री ऑफ चार्ज मिलती है। वहां एक अड़ गए क्या, फिर बैठ कर लिया क्या, उससे सर लग गए, है कोई माइकल है, 10,000 रुपए इनाम दूंगा यदि कोई 10 बोतल पी के दिखाए। तो आगे हाँ लाओ, एक बोतल इजी गोइंग, सेकंड बोतल इजी गोइंग, थर्ड बोतल में थोड़ा थोड़ा हो गया, चौथा बोतल में किसी तरह रुक रुक करके ऐसे करते करते छठी बोतल तक आया, वो एक्सपायर। इतने में एक सज्जे चले तो पानी पूरी, पानी पता सर जो क्या बोलते हैं, खेचने बैठ गए 150 निपट गए भाई। ललितपुर में इकलौता लड़का था घर का, इकलौता लड़का घर का, जैन समाज का, एक्सपायर हो गया। बेटी आप प्रकृति है खाना, लेकिन विकृति है चाय जितना खाना, चाय जैसा खाना, चाय जहां का खाना। सड़क पर खड़े हुए, मैं इतनी सारी पिक्चर दिखा सकता हूँ आपको, इतनी सारी पिक्चर दिखा सकता हूँ। अभी 3 दिन पहले फिर पिक्चर आई कि चाय और कॉफी बनाने के लिए वो लैट्रिन बाथरूम का पानी भर रहा था, ट्रेन में देख लिया आपने, उसका पानी भर रहा था। शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली जाती है, उसमें आगरा से खिलाड़ी लोग सवार हुए, रात को जा रहे थे, उन्होंने भोजन की डिमांड की तो भोजन आया। अब भोजन खत्म हो गया था, नशे में बैठे हुए, शराब पी हो गए, दारू पी हो गए, तो भोजन की डिमांड आई तो वो लोग जूठन बच जाती है, जूठे वापस पैकेट जाते हैं, पैकेट उनमें चावल उसमें से इकट्ठा कर रहे थे, पूरियां उसमें से इकट्ठा कर रहे थे, सामान उसमें से इकट्ठा कर रहे। अब एक मैडम थी, उसको बहुत जम के भूख लग रही थी, उसने कहा चलो कुछ ना कुछ तो ले आऊं, जब तक आएगा भोजन तब तक कुछ ले लूं। तो पेंट्री कार में आ गई, पेंट्री कार में आई तो उसने देखा ये वो कह रहा है, उसने फटाफट वीडियो बनाई और फिर उन्होंने अगले स्टेशन पे गाड़ी रोक कर गया, जो धुनाई उड़ाई उन लोगों की, और फिर पुलिस को बुलाया, अरेस्ट कराया, बहुत बड़ा नाटक। हमारा मतलब ये निकला कि बेटी चाहे जहां का खाना, चाहे जैसा खाना, रात का बना खाना, क्या कहें सर, आजकल
अब तो कोई पूछता नहीं डबर सिस्टम में, जितने रसोई भोजन परोसने वाले आते हैं वो जैन समाज के तो आते नहीं, जो लोग स्वीपर होते हैं स्वीपर और फ्री होते हैं शाम के टाइम, तो हमारे विदिशा तक में भोपाल से आते हैं स्वीपर सारे जवान लड़के, उनको एक ड्रेस दे दी जाती है, एक कुछ ऊपर का पहनने को दे देते हैं और बढ़िया शर्ट पैंट दे दिए, अब वो सर्व कर रहे हैं स्वीपर लोग सर्व कर रहे हैं। तंदूरी रोटी बनाने के लिए वो क्या कहलाती है, रोटी नान बनाने के लिए स्पष्ट दिख रहा है टोपी लगाया हुआ है, टोपी लगाने समझ गए होंगे मांसाहारी भाई, वो रोटी बना रहा है वो जैन लोग खा रहे, हमने ये देखा तब मैंने दूसरे प्रवचन में कहा, कल आपने मैंने कहती कल आप भोजन करने देखा था आप कौन बना रहा है, आपने पूछा था कौन है बेटी, ये सबसे बड़ी गंदी होगी बात हो रही है कि कोई पूछ ही नहीं रहा है, किसी को समझ में ही नहीं आ रही है बात, तो अब इससे क्या हो रहा है, इसका नुकसान भी ये हो रहा है कि विकृति से बीमारियां आ रही है, और हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है, अब संस्कृति आप समझ गए होंगे, दिन में खाना, दिन का बना हुआ खाना, बाजार का नहीं खाना, अभी मैं आपको एक भी आइटम ऐसा नहीं मार्केट का जो अच्छा हो, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहना है, आपको एक एक चीज की रिपोर्टिंग दिखाई जा सकती है, आप खुद चेक करो, मेरी नहीं माना तो आप चेक करो, आप कहोगे तो मैं न्यूज पेपर की पिक्चर आपको उसमें दिखा देता हूं प्रोजेक्टर पर, अजमेर के सीबीएसई के बच्चों ने, ट्वेल्थ के बच्चों ने लेबोरेटरी टेस्ट किया भोजन का, कोल्ड ड्रिंक का आदि आदि, न्यूज पेपर में आया, उन बच्चों ने विद्यालय के सारे बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कैफीन है, उसमें अल्कोहल है, उसमें फास्फोरस है, ऐसे ऐसे आइटम बताए गए जो एक घंटे के अंदर कितना कितना लॉस करते, जब उन्होंने चेक किया बच्चों ने तो अपने आप छोड़ दी, बाकी पिक्चर आप देख सकते हो, मेरे से कहोगे तो मैं दे दूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो, कहने का मतलब बेटे आंख खोल के रखो, दिमाग की खिड़की खोल के रखो, और खाते पीते समय सावधान रहो, मार्केट की चीजें, अब फिर वही समस्या आएगी, मैं जानता हूं आपको एक समस्या आएगी, आपके जितने फ्रेंड होंगे वो लेते से ही बोतल खोलेंगे और तुम खड़े होगे तो 10 के 10 या 5 के 5 हंस रहे होंगे, और जैन क्या यार बैड लक, तेरा जन्म कहाँ हुआ। अभी तुमको पेशेंस चाहिए इस मामले में, कम्फर्ट एरिया से बाहर निकलना बड़ा टफ, मैं अब मेरे बारे में आप जानते होंगे, वैसे तो मम्मी ने आपको बताया होगा, पापा ने बताया होगा, टीचर ने बताया होगा, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, मैंने एक दिन भी कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद किसी सर के घर पे पानी नहीं पिया, पार्टियों में पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, मैं अपना पानी खुद लेकर गया, बस इसी समझ लीजिए, मेरी किसी ने हंसी नहीं उड़ाई, किसी ने हंसी नहीं उड़ाई, बल्कि मैं प्राउड कर देते अरे जैन सर, हमारे कॉलेज में और प्रोफेसरों की तो मारपीट हुई, चक्कू मार दिया, ग्रेवान पकड़ ली, गाड़ी पटक दी, कायर पंचर, वो टायर वो क्या कहलाता है उसका, कार का टायर पंचर कर दिया, कांच से पत्थर फोड़, वो क्या पत्थर से कांच फोड़ गए पत्थर से कांच फोड़ के गाड़ियों का, मेरी भी साइकिल की हवा निकाल दी, मैं साइकिल चलाता था कॉलेज जाते सब पढ़ाने के लिए, वो निकाली, लेकिन मुझे मेरी ग्रेवान नहीं पकड़ी, मेरी मारपीट कभी नहीं हुई, केवल मेरी पवित्रता, मेरा पुण्य, मेरा जैन संस्कार, और उसी ने मेरी रक्षा की। मैं थोड़ी देर पहले कहा था अमेरिका में एक भी जैन की चेकिंग नहीं हुई, पंचकल्याणक में जब गए थे हम लोग, लंदन में हम लोग गए, हमारी जैनियों की चेकिंग नहीं, जैन लोग अच्छा पंचकल्याणक में ओके। इससे भी बड़ी मजेदार बात तो ये होगी जो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि दिल्ली से बेंगलोर तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने जैन समाज के लोग गए 250 लोग, 3 प्लेन बुक किए, अब सही टाइम पर सबको आना था, लेकिन जिनका प्लेन पहले उड़ना था वो लोग नहीं आए, दूसरे प्लेन के लोग आ गए, मिक्स हो गए, कुछ आ गए कुछ नहीं आए, कायदे से तो होना चाहिए प्लेन को बिना यात्रियों के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि वो आए नहीं, फौरन को प्रॉब्लम बताई कि सर हमारे 250 लोग में से इतने लोग आ गए इस प्लेन के, इतने प्लेन के दूसरे के आए, लेकिन वो नहीं आए जिसमें इसमें जाना था, इनको आप विश्वास कर सकते हैं, उन्होंने एक सेकंड में इशारा किया, किसी की चेकिंग नहीं होगी, जितने इसमें बैठ सकते हैं इसमें बैठा दीजिए, बाकी का दूसरे में बैठेंगे, बाकी तीनों प्लेन के यात्री एक की भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस प्लेन में वो बैठे उसी का टिकट काटेगा, किसी का टिकट किसी बैठ के मैं कहने का आप कितने आश्चर्य की बात होती है,
तो आप इन इन बातों को आप समझेंगे आगे क्या बातें बताई थी मैं भूल गया जी। क्या थी बेटे? हीरो सिर्फ नींद आ रही है, थोड़ी थोड़ी 25 ग्राम नींद आ रही है। अच्छा तो फिर जी क्या सर? प्रकृति जी क्या थी? विकृति जी क्या है? संस्कृति। अब हमारी संस्कृति यदि मैं इसका गुणगान करने बैठूं ना तो हमको रामदेव की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी महिलाओं को आपने कभी देखा है आपकी दादा दादी उठ करके ऐसा आपकी दादा दादी करते हैं? आपकी दादा दादी ऐसे ऐसे करते हैं? सर सर ऐसे ऐसे करते हैं, कमर पीछे मुड़ा ऐसे करो कुछ नहीं करते। हमारी जनरेशन में हमारी मतलब जो पुरानी कभी कोई को करने ही नहीं पड़ती, इसके बावजूद हेल्दी होते थे। क्यों हेल्दी होते थे? क्योंकि काम करते थे, आटा पीसते थे, मसाले कूटते थे, घर में झाड़ू पोछा करते थे, बर्तन मांजते थे, कपड़े धोते थे, कपड़े निचोड़ने पड़ते थे, कपड़े फटकते थे दोनों हाथों से, सुखाते थे, उन्हें इतना काम करती थी हमारी घरों में, उनको बीमारी होती ही नहीं। अब आजकल की मम्मी कैसी है? हम एक हमारा एक मानी पति और पत्नी, अब अकेले रह रहे दोनों के दोनों, दोनों एसी में सो रहे, एसी में बैठ रहे, एसी में खा रहे, बाजार का खा रहे, काम कुछ बचा नहीं, काम कुछ है ही नहीं, अब करेंगे क्या? पड़े पड़े बीमार। इसलिए अब डॉक्टर कहता है आप एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, लेकिन सच बताएं तो हम जो जिनदेव की मानता है उन्हें रामदेव की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं वापस आ रहा हूं फिर से, विकृति यह है कंफर्ट एरिया, कंफर्ट जोन, ये विकृति है। आपको पता है जब तक गर्मी नहीं पड़ती, जब तक गर्मी नहीं पड़ती आम मीठे नहीं होते, जब तक जम के ठंड नहीं पड़ती तो अमरूद जाम फल जिसको हम कहते हैं अमरूद, वो मीठे नहीं होते। इसका मतलब प्रकृति प्रकृति बहुत अच्छी चीज है। जब जम के गर्मी पड़ती है, जितनी जम के गर्मी पड़ेगी उतनी अच्छी बरसात आएगी, यदि जम के गर्मी नहीं पड़ेगी तो बरसात भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसका क्या मतलब? प्रकृति में जो काम हो रहा है वो सब सही हो रहा है। हमारे दिगंबर मुनिराज एसी में नहीं रहते, कूलर की ठंडक में नहीं रहते, फ्रिज का फ्रिज में नहीं रहते, ऐसा नहीं कह रहा हूं, फ्रिज का नहीं खाते पीते, इतनी गर्मी में भी पसीना बहने देते, ठंडों में ठंड लगने देते हैं। यदि कोई आदमी, आपको पता है प्रकृति में एक भी जानवर को कैंसर नहीं होता, इतने सारे जानवर हैं, एक को भी टीबी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, एक को क्यों नहीं होता आप बता सकते हो? क्योंकि वो ठंड गर्मी बरसात में नेचुरल रहते। अब यह कंफर्ट जोन विकृति, हम कूलर में रहना चाहते हैं, एसी में रहना चाहते हैं, नई नई सुविधाओं में रहना चाहते हैं, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है एकदम कूल कूल ठंडा ठंडा पानी पियेंगे धड़ 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 वो भी आप बीमार हो जाएगा, आपका पैंक्रियाज खराब हो जाएगा। आपने अभी देखा होगा विज्ञापन, सुने आपने इन दिनों एक विज्ञापन बहुत चल रहा है, बहुत सुविधाएं हमारी जबलपुर में, अब तो इतनी बढ़िया सुविधा हो गई है, 25 लाख रुपया खर्च करो लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट नाम सुना? पेट का लीवर ट्रांसप्लांट कर देंगे, फिर कभी हार्ट का नाम तो सुनी रखा होगा आपने, हार्ट का ट्रांसप्लांट कर देंगे, फिर किडनी का ट्रांसप्लांट कर देंगे। मेरी ये बात समझ में नहीं आता, एक भी जानवर को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती तो आदमी को जरूरत क्यों पड़ती है? एक भी दिगंबर मुनिराज का लीवर खराब नहीं होता, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है हम कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकले का मतलब है संयम से रहे, हम ठंड से बचने की कोशिश नहीं करें, हम गर्मी से बचने की कोशिश नहीं करें, हम बरसात से बचने की कोशिश नहीं करें। आप इसे कितने बच्चे बरसात में नहाते हैं नीचे हाथ कर लो, मैं फिर से पूछा, बहुत कम नहाते, इसका मतलब बहुत ही कम नहाते। अब पहली बार जब अच्छी बरसात आती है तो आपकी मम्मी सबसे पहले आपको कहे ना ना नहीं, अभी तेरे को सर्दी हो जाएगी। लेकिन अब इस बार से आप क्या करोगे, जब पहली पहली बरसात आए तो आप अपनी मम्मी को समझा देना, नहीं तो ये आज की क्लिप सुना देना कि बरसात कभी बुरी नहीं होती। आप इसमें खूब नहाइए, खूब नहाइए जम करके, सर्दी तो होगी आपको, वो बहुत अच्छी चीज है। सर्दी का मतलब ये है, अभी ये
आप फर्श देखेंगे ना एकदम चमचमाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब इसमें पानी डाल करके आप वो क्या बोलता है वाइपर, जब वाइपर फेरेंगे तो बहुत गंदा गंदा पानी दिखेगा। ऐसे पहली बरसात जब आती है ना वो अंदर की पूरी सफाई करके सर्दी बनाकर निकालती है। अब मुझे आप बताइए घर की सफाई अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। कैसे शरीर की सफाई हो गई, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात। लेकिन आपकी मम्मी रोकेगी मुझे पता है, और आपको सर्दी होगी ये भी मुझे पता है। जैसे ही आप घर आएंगे ना आधा एक घंटा नहाने के बाद आप मम्मी बोलेगी और चला जा मर जा जा। अब कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक काम करना है, यदि सर्दी हो जाए तो हो सके तो उसे केवल सब्जी सलाद ले लीजिए, और यदि वो भी ना ले तो आप 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम हल्दी और थोड़ा सा सौंठ, 2 ग्राम 3 ग्राम सौंठ, 1 ग्राम हल्दी 3 ग्राम सौंठ, इसको आधा लीटर पानी में उबालें, आधा लीटर पानी में, और जब 300 ग्राम रह जाए तब चम्मच से पी लें इसको, आराम से पी लें। साथ में एक हर खा ले, चूस ले में हर, हर मम्मी से पूछे ना हर, हरी नारायण नहीं हर, एक हर चूस ले आपकी सर्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर भी जाएगी तो पेट साफ कर देगी, और जो वो जाएगी वो इस कफ को निकाल देगी, वो सफाई कर देगी। इतना सरल काम है आपका, तो आप इतना सा करिए, कभी नहीं डरिए गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, कभी मत डरिए। मैं अभी कमरे में बैठा हूँ, मुझे कोई गर्मी का पता, अरे कितनी प्यारी है, कितनी बढ़िया काम, मैंने नेचुरल गर्मी का सहन करना सीखेंगे तो आप मजबूत होते चले जाएंगे। मेरे से पूछो तो मैंने भी क्या बोला था आपको, तिरंज गति के एक भी जीव जंतु को हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, टीबी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। आपने देखा कि अभी बंदर मामा गॉगल लगाए, शेर रात को निकलता है चश्मा ला रहे, एक भी जानवर चश्मा नहीं लगाता, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया आपको? तो ये तो हुई ऐसी कुछ बात, तो प्रकृति, विकृति, संस्कृति, इनमें सबसे अच्छा कौन है? संस्कृति। ये अभी हमने खाने पीने की बात करी, ऐसे कपड़े पहनने की भी बात, कपड़े पहनने में भी प्रकृति है कि हमें सील की मर्यादाएं निभानी चाहिए, हमारे शरीर में लज्जा होती है, उस लज्जा के लिए ढांकने के लिए हमें कपड़े पहनना चाहिए, प्रकृति है, कपड़ा पहनना संस्कृति है। लेकिन विकृति क्या है कि ऐसे कपड़े पहनना जिससे अच्छा ना लगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, माने कपड़ों में कितनी जगह छेद होती है, कभी कभी इधर छेद हो जाता है, कभी इधर छेद हो जाता है, इधर छेद हो जाता है, कभी इधर पीछे छेद हो जाता है, छेद ही छेद। हमारे जमाने में हम साबुत कपड़े पहनते थे, हम साबुत कपड़े पहनते थे, यदि किसी दिन हमारी पैंट की नीचे की वो तुरपर निकल जाती थी, नीचे की सबसे मोरी की, मोरी की, और या कोई पैंट फट जाए, थोड़ा सा छेद हो जाए शर्ट में, तो लोग ऐसे बोलते तुम्हारे पापा गरीब हैं, तुमको शर्ट नहीं दिला सकते, तुमको पैंट नहीं दिला सकते, तो इतनी इंसल्ट फील होती थी कि हमारे पापा तक चली गई बात। फिर इतना पाप का उदय आया लोगों को कि वो फटता नहीं था लेकिन फाड़ते थे, जींस लाएंगे दीवार पे है, जब रफ हो गए ना जगह जगह से, तब फिर उसको पहनने लगे। इसके बीच में एक और आया था, वो क्या कहला था, क्या लगा था, रफू ठेगड़ा, फिर बीच बीच में टिकली बिकने लगी बाजार में, अभी बिकती नहीं बिकती पता नहीं, बाजार में ऐसी एक नई नई डिजाइन की, फिर वो पहले साइड फाड़ो ऊपर से चिपका, फिर नई डिजाइन, आई एम मॉडर्न पर्सन, बारे मॉडर्न डब्बू। ऐसे ऐसे काम नहीं करना आपको, अपनी अपनी संस्कृति, मंदिर में जाओ अच्छे कपड़े पहन करके जाओ, कहीं भी जाओ अच्छे कपड़े पहन के जाओ। इसमें जैसे एक मैं बहुत सिंपल सी बात कहूं, मैं नहीं समझता हूँ ये जींस पहन करके गर्मियों में किसी को इजी लगता, बिल्कुल भी हवा नहीं घुसेगी। 99% जींस पहनने वालों को अंदर की साइड खुजली हो जाएगी, इसके डिसीज हो जाएगी, लाल लाल छाले पड़ जाएंगे, पसीना तो पक्के में आता है, अंडर की यदि वाइट पहन के देखो तो पता लग जाए बेचारी पीली होगी।
आप देख लेना यदि वाइट पहन के देखो तो आपको पता लगेगा कितना पसीना आ रहा है और वो गंदगी रुक रही है। तो अच्छे कपड़े पहनो, बीमार होना विकृति का फल है, स्वस्थ रहना संस्कृति का फल है। यदि मैं चौथी लाइन और जोड़ दूं इसमें, साधना साधना कह दो या साध्य कह दो, ये क्या है? प्रकृति। ये क्या है? विकृति। ये क्या है? साधना। मैं साधना को यूं समझाना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा जब हमें कुछ खाना ही नहीं पड़ेगा, अनहारी दशा। वो दिन कब आएगा जब हम निर्ग्रंथ होंगे, निर्ग्रंथ जानते हो? निर्ग्रंथ, जब हमें वस्त्र ही नहीं पहनना होंगे, वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने आपको दो बात बताई, ऐसे आप हर चीज में लगाइए। मनोरंजन करना प्रकृति है, हमारा मन नहीं लगता है, प्रकृति है। लेकिन चाहे जो देख लेना, चाहे जहां देख लेना, गंदी चीजें देख लेना, उम्र के पहले देख लेना, गंदे लोगों की संगति करके मनोरंजन करना, ये विकृति है। संस्कृति क्या है? अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे दोस्त बनाइए। आपको अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की सफलता का राज बताऊं आपको? मेरी जिंदगी की सफलता का राज है, मेरी पूरी जिंदगी में केवल 5 फ्रेंड थे और इतने अच्छे फ्रेंड थे, हम लोगों ने एक दिन भी गाली नहीं सुनी आपस में। पांचों मित्रों ने कभी गाली नहीं दी, पांचों मित्रों ने कभी पिक्चर नहीं देखी। 8 साल के अंदर हमने कभी पिक्चर नहीं देखी, 8 ने जाकर, 5 ने जाकर। कभी हमने होटल में चाय नहीं पी, कॉलेज में पढ़ने तक उधर चाय नहीं पी हम लोगों ने कभी। हाँ, पढ़ाई करने में हम साथ साथ थे और कामों में हम सब साथ साथ थे। एक एक फ्रेंड के यहाँ तो हमारे इतना, मैंने हम सब एक जगह घर में इकट्ठे होते थे, उनके सत्तू पीस रहे थे। सत्तू तारण समाज का परिवार था, अपने बसंत जी है, बसंत जी इनके जीजा जी, वो हमारे क्लास फेल हो रहे। तो उनके वो सत्तू पीस रहे थे, अम्मी जी क्या पीस रहे हो? बोले सत्तू। तो मैंने कहा मैं पीस दूं? बोले हाँ पीस। मैंने धाड़ धाड़ धोड़ धोड़ उड़ गया अरे हम घर घर में एंजॉय किया, अच्छे से रहे, लेकिन हम लोगों के जीवन में विकृति नहीं आई। इसके अलावा यदि मेरे और मित्र पूछोगे तो कम से कम 50-100 मित्र ऐसे होंगे जो मेरी एज से डबल थे, विद्वान थे, त्यागी थे, व्रती थे, अच्छे बुजुर्ग थे। क्यों? मैं स्वाध्याय में जाता था तो स्वाध्याय में अच्छे लोगों की संगति होती थी। उससे मुझे ये लाभ हुआ कि हम कभी गलत बातें नहीं सुन पाए। आज तक मेरे मुख से ये भी माँ की गाली नहीं निकली, बहन की गाली नहीं निकली, मैंने जो सेक्सी गालियां कभी नहीं निकली, आज तक नहीं निकली। ये जिनवाणी साक्षी इस मामले, मैंने कभी भी लड़ाई झगड़ा इसके चक्कर हम नहीं पड़े। इतना ही लड़ाई झगड़ा हो गया कि एक दिन जब 6ठी-7वीं पढ़ते थे, उसने अकेले में लड़ा, तो मैं दुकान पे बैठा था, अपनी दुकान पे, एक ही घटना याद है, अपनी दुकान पे बैठे थे। तो जैसे हमारी दुकान के सामने से निकला तो मैंने नीचे उतर के धक्का दिया उसे मैंने उसको कहते पिताजी फौरन आए, दोनों को गले मिलाया, हाथ लाए, क्यों करते हैं झगड़ा? वो घर चला गया। इतना अच्छा लगा, उस दिन से हम फास्ट फ्रेंड बन गए। वो अगले दिन स्कूल जा रहा था तो हमारी दुकान के बाहर से निकला, सुमत चल रहे हो स्कूल? मैं हाँ चल रहे हैं, हम तो स्कूल चले गए। मैंने बारे बार झगड़ा भी नहीं कर पाए उन्हें खूब मौज की। मैंने बड़े बुजुर्गों के साथ रहने से, ट्रांसपेरेंसी रखने से हमें बहुत फायदा होगा। तो आप लोग भी ये लाभ उठा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान रखना, अपने बराबरी वालों को बातें शेयर मत करो, बड़ों को शेयर कर। बड़े आपको गाइड करेंगे, आपको सही रास्ता बताएंगे। आपके सबसे अच्छे रक्षक आपके हितेशी, आपके मम्मी पापा हैं, बड़े लोग हैं। हालांकि मैं जानता हूँ 99% बच्चे अपने मम्मी पापा को अपनी गंदी बातें शेयर नहीं करना चाहते, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते, और ये आपकी आत्महत्या है। वर्ल्ड में जितने लड़के आत्महत्या करते हैं उसका एक कारण है जनरेशन गैप। आप अपनी मम्मी पापा को शेयर नहीं करते दोस्त क्या गलत करते हैं, क्या अच्छा करते हैं, स्कूल में क्या गंदा लगता है। आप मम्मी को जरूर बताइए पर डे, प्रत्येक लड़की को और लड़के को ये काम जरूर करना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा अपनी मम्मी को शेयर करता था, पापा से तो मैं भी नहीं करता था, क्योंकि पापा एकदम 44,000 वोल्टेज जैसे लगते थे लेकिन मेरी मम्मी बड़ी कूल कूल थी, जैसे धोनी ऐसी कूल कूल रहती थी। तो मैं मम्मी से हर बार शेयर करता था। सील के मामले में मम्मी ने बहुत सिखाया। भोजन करते करते मेरे को मम्मी पर डे कोई ना कोई घटना की निंदा करती थी, समाज में कोई घटना हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मंदिर की छत पर एक पुजारी ने एक बच्चे के साथ घटना कर दी।
मेरे को अच्छी तरह से याद है, छठी सात पढ़ता हूँ, छोटा था, तो मम्मी ने वो घटना भी सुनाई और फिर वो कैसा लगा, फिर उसको नौकरी से निकाला, फिर उसके घर में क्या हुआ, मैंने वो जो आफ्टर रिएक्शन होते ना, कुछ सुनना सभी लोग, हर घटना का आफ्टर रिएक्शन बड़ा प्रभावशाली होता है। मेरी मम्मी बस उसका एनालिसिस करके समझाती थी कि ऐसा होगा, तो उसी समय से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कभी ऐसी हरकत नहीं करनी है, लड़कियों को देखना नहीं है, छूना नहीं है। मैंने, मैं सच कहता हूँ, ये साक्षी है, मैंने कभी भी किसी को छुआ ही नहीं, भीड़ भाड़ में गए ही नहीं, मेले में गए ही नहीं, स्कूल में भीड़ निकल रही तो पहले तैयार हुए खड़े दूर, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इन आंखों को जरूरत नहीं पड़ी कि देख रहे हैं, चार लड़के खड़े देख रहे खिड़की में, चांद निकल आए। जबरन खड़े चार लोग, जबरन बातें मार रहे, जबरन गाने गा रहे, जबरन सीटी मार रहे। पर कहने का मतलब यह है, इन 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 बातों से बिल्कुल बच के रहो, आनंद से रहो, सभी में आया, तो एक इस तरह के काम नहीं, कभी किसी पीछा नहीं करो, एक कंफर्ट जोन कहलाते लेकिन है खतरनाक, कंफर्ट जोन का फल है आसाराम। हाँ बाबा आशा देखें, आसाराम बापू, हाँ एक राम और रहीम भी दे, राम रहीम ने, अरे एक ही नाम है क्या, इसको तो बहुत ही जम के जागरण हो रहा है, क्या देख सब हंस रहे, तू ही नहीं हंस रहा, चलिए कोई बात नहीं, अब तुम भी हंस रहे, तो बोर तो नहीं हो रहे यार, नींद तो नहीं आ रही है, प्रकृति विकृति साधना, बहुत बड़ी साधना है, अच्छे कपड़े पहनना साधना है, अच्छा खाना साधना है, त्याग से रहना साधना है, मनोरंजन अच्छे साधनों से करना भी एक साधना है, व्यापार तो करने की जरूरत पड़ेगी आपको, एक विकृति है कि रिश्वत खाओ, भ्रष्टाचार करो, चोरी करो, ये विकृति है, एक ना एक दिन आपको जेल जाना पड़ेगा, आपकी तकलीफ होगी, आपके पेरेंट्स को तकलीफ होगी, आप बड़े हो जाएंगे तो आपके बच्चों को तकलीफ होगी, मैं ऐसे कितने बच्चों को बता सकता हूँ जो अपने माँ बाप से इसलिए घृणा करते पिताजी से कि वो क्योंकि रिश्वत कांड में पकड़े गए, गलत काम करने में पकड़े गए, तो कभी ऐसा नहीं, संस्कृति है न्याय से कमाओ, नीति से कमाओ, भ्रष्टाचार से नहीं कमाओ, इस संस्कृति अपनी, और आगे क्या हो गया, साधना क्या होगी, ध्यान में होगा वो दिन जब एक परमाणु मात्र की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें परिग्रह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इन बातों को अपन ध्यान रखेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छे से बैठ जाओ, देखो ये बच्चा तो जाग गया, आपकी बारी है। तो इस तरह से अपन ने इतनी सारी बातें की, अभी आपको घड़ी में तो टाइम हो गया, घड़ी तो बड़ी फास्ट भागती है, मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, हेल्थ की भी बातें करनी थी आपको, हेल्थ के बारे में एक बात बता के छोड़ देता हूँ, दो बातें छोड़ देता हूँ, दो बातें बता के धीरे धीरे हम और बताएंगे आपको, अच्छा ठीक है, तो दो बातें सुन लो बेटे, जो आपको बहुत काम की है, आप टीनेजर हो, जानते हो कि आप टीनेज कहलाती है आपके, इस टीनेज में सबसे ज्यादा काम होता है खून का खराब होना, आप तो नहीं जानते हो खून खराब क्या होता है, क्योंकि आपको दिखते ही नहीं खून, देखे तो पता लगे खराब है कि अच्छा है, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि आपका खून खराब है, जैसे हमें अभी किसी बच्चे से पूछे आपको कैसे पता लगे आपका खून खराब है, तो एक बहुत सिंपल आइडिया है, यदि आपको स्किन डिसीज है, खुजली चलती हो, लाल लाल चिट्टे पड़ रहे हो, या आपकी पिंपल्स हो रही हो, इसका मतलब है आपका खून खराब है, यदि ये तीन काम नहीं हो रहे तो आपका खून बहुत बढ़िया है, तो इनमें बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जिनका खून अच्छा है, लेकिन कुछ का तो खराब है और कुछ का होने वाला है, तो जैसी जैसी उम्र आती है ना, तो क्या कहना चाहिए, जापान की सड़कें मध्य प्रदेश की सड़क बन जाती है। कैसे नहीं बैठना, अच्छा नहीं बैठना, मैंने क्या बोला, कहाँ की सड़क कैसी बन जाती है, हाँ जापान की सड़क भी मध्य प्रदेश की सड़क बन जाती है, इतने यहाँ गड्ढे हो जाते हैं, और एक एक गड्ढा पूरी उम्र में जाते जाते 50-50 रुपए का पैदा हो जाता है, मैंने इतनी आप क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, जाने क्या क्या लगाते हो, साबुन इस्तेमाल करते हो कि वो यहाँ बहुत सारी पिंपल्स बढ़ती चली जाते, लगभग लगभग ये आपके बड़ी दीदी हो, बड़े भैया हो, तो आप देख लेना सबके चेहरे, हो सकता है किसी को खराबी, तो आप समझ लो आपकी जिंदगी में चाहता हूँ
आपकी जिंदगी में कभी आपको पिंपल ना हो ऐसा उपाय बता दो ना आपको, कभी ना हो, और बाय द वे हो गया हो तो मिटा भी लो। पहला उपाय तो यही है कि इसको नाखून नहीं लगाना चाहिए। एक नाखून लगाते तो इधर के इधर आ जाता है, 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 और धीरे धीरे मच्छरों की तरह सारी बैठ जाती है। तो एक काम तो ये करना है, नाखून नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना, इससे बढ़ जाते हैं। इसके लिए फिर वही तरीका है कि आपको पेट साफ होना चाहिए। पेट खराब हुआ और पिंपल पैदा हो, खून खराब हुआ उससे सर्दी हो जाएगी कई बच्चों को, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने भोजन में चवाएं अच्छे से, रोटी को, खीर, खीर खाना बच्चों को आता ही नहीं है, आपको बहुत टेस्टी खीर मिल गई एक कटोरा, आप सीधी चम्मच भरते हो गुटक जाते हैं, क्योंकि चबाने का कोई चीज ही नहीं उसमें, चावल सॉफ्ट हो चुका है, खीर है, मीठी है, धड़ धड़ हम गुटक जाते हैं। ये गुटकना ही खून खराब करने का कारण है। खीर खाने के लिए कम से कम एक कटोरा खीर खाने के लिए 15 मिनट चाहिए, वो बहुत गाढ़ी है, जितना सिलाइवा उसमें मिक्स होगा, लार जितनी मिक्स होगी चबाने पर, तब जाकर के आपको फायदा करेगी। कई बच्चे आपकी उम्र में ऐसे होते हैं जो बच्चे ऐसा करते हैं एकदम वो पानी की बोतल ली, गड़गड़ गड़गड़ देख मैंने एक सांस में पानी पी लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पानी पीने की ये स्टाइल आपका खून खराब कर देगी, आपके पिंपल्स बहुत हो जाएंगे। यदि समय होता तो मैं बहुत विस्तार से समझाता कि आप पाइप नहीं है जिसे पानी धड़ धड़ भर दे, आप डब्बा नहीं है जो पानी कूड़ दे उसमें, आपको सिलाइवा की जरूरत होती है, पानी के हर घुट में सिलाइवा की जरूरत होती है। मैं कम पानी पीता हूँ, बहुत कम पानी पीता हूँ, 24 घंटे में मुझे प्यास ही नहीं लगती, एक बार भी प्यास नहीं लगती। मैंने कल 5 बजे भोजन कर लिया था ट्रेन में, उसके बाद अभी 4 बजे कंप्लीट किया है, मैंने 3 बजे तक भी मान के चलो तो 5 बजे से 3 बजे तक 22 घंटे तो हो गए, 22 घंटे हो गए। इसके बावजूद मुझे प्यास का नामो निशान नहीं था, मेरे काम में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी स्वाध्याय में फर्क नहीं पड़ी, जितने लोग आते रहे मैं सबसे बात करता रहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अभी मुझे पानी नहीं पीना है, वही कल 11 बजे करीब पानी पीऊंगा, अभी इससे पहले कोई पानी नहीं पीऊंगा, तो अभी मेरे मुंह में इतनी सिलाइवा रहेगी जिसकी हद नहीं। उसका मूल कारण है कि मैं चबा चबा के खाता। दूध कभी ऐसे नहीं पीजिए फास्ट, आप गन्ने का जूस मिला 10 रुपए का एक गिलास, मुझे पता नहीं रेट लगभग ऐसे ही होगा, 10 रुपए का एक गिलास, दर 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 एक समास में खा ली। मैंने फिर कहा आप डब्बा नहीं हो, कोई भी चीज आप चम्मच से पीजिए, दूध पीना है, खीर खानी है, कोई भी चीज बहुत धीरे धीरे खाइए, चाहे आप 2 रोटी खाइए आधा घंटे में, आधा घंटा लगाइए भोजन चबाने में। जिन बच्चों को पिंपल हो वे लोग सब ध्यान रख लेंगे, सलाद आपको बहुत खानी, सलाद खानी, नारियल खाना है, यदि सलाद नहीं मिले तो नारियल खाइए, कच्चा पक्का जैसा भी मिल जाए, नारियल चबाते रहिए, गुड़ के साथ चबाते रहिए, जैसे अच्छा लगे वैसे चबाते रहिए, आप नारियल खाइए। मेरा मतलब है कि फाइबर जब पेट में जाएगा तो पेट साफ रहेगा, तो पेट खराब नहीं होगा तो पिंपल नहीं होंगे और सर्दी भी नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी का नाम है कॉन्स्टिपेशन। आपने देखा वो लोग जाते हैं और आधा घंटे तक निकलते ही नहीं, फिर दरवाजा ठकठकाना पड़ता भाई कई और को भी जाना कई बार ऐसे आदमी को लोग पहचान जाते हैं पंच कल्याण वगैरह में, तो वो जाए उससे पहले जल्दी पहुंच जाते हैं ऐसा नहीं हो कि हम बाहर ही खड़े रहे कई बार लोग पूछते हैं आपके मेडिटेशन करते हो कहने का मतलब है आपका पेट एकदम बढ़िया होना चाहिए, समझ में आ गया आपको। चलिए ये तो मैंने अंदर से बता दिया, चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे पानी पीजिए, कोई भी रस धीरे धीरे पीजिए, सलाद खाइए, अमरूद के दिन में अमरूद खूब खाइए, ठंडों के दिनों में तो आप आधा किलो अमरूद आपको मिल जाए तो दी बेस्ट, दुनिया की कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, आधा किलो अमरूद पर डे खा ले। तो इन दिनों में केरी का पानी बहुत अच्छा है, आप केरी का पानी खूब खाइए, कच्ची केरी चबाइए, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया। और अमरूद भी ऐसे खाइए जो कड़क हो थोड़ा, जिससे आपको दांतों को मेहनत करनी पड़े, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी। यदि आधा किलो अमरूद कड़क वाले आपकी उम्र से आप खाते चले जाओ, आपके 32 दांत कभी नहीं गिरे,
एक भी दांत नहीं गिरे, तभी गिर सकता है जब कोई लादे मिल जाए और भूसा मार इसके बिना आपके दांत कभी नहीं गिरे। अच्छा चबाइए कड़क कड़क, अच्छा चबाइए और बीजों को मत फेंक दीजिए। कितने बच्चे ऐसे होते हैं बीज छोड़ देते, बीज ही तो काम की चीज है, बीज आपके शरीर को बहुत स्वस्थ करते हैं, औषधीय वो अच्छी खासी, इसलिए बीज मत फेंकिए, किसी भी चीज के बीज मत फेंकिए। अच्छा चबा चबा खाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप इमली के बीज भी चबा जाओ खा सकते हो आप, इमली के बीज भी बहुत टेस्टी होते हैं, इमली के बीज भी खाए जाते हैं, हमने मालवा में देखा है। इमली के बीज को तवा के ऊपर सेक लीजिए, फिर एक एक बीज खाइए और पानी पी लीजिए, दी बेस्ट इलाज है कॉन्स्टिपेशन, बहुत अच्छा इलाज है। खैर ऐसे इलाज बताऊंगा तो रात हो जाएगी, अभी अपन जल्दी से वापस आते हैं। जिनके पिंपल हो गए वे क्या करें, हो ही गए ना अब क्या करें, नहीं हो ये तो उपाय ठीक है, हो जाए तो क्या करें, बहुत सरल उपाय है, एक पानी गर्म रखिए एक पानी ठंडा रखिए, एक पानी गर्म एक ठंडा। सबसे पहले सिर को ठंडा कर लीजिए, लड़कियां सिर में पानी नहीं डाल सकती तो ठंडा टॉवल बांध दीजिए, ठंडा नैपकिन बांध दीजिए सिर पर, आंखों को धो लीजिए, आंखों को कभी गर्म नहीं होना चाहिए, सिर गर्म नहीं होना चाहिए। फिर आप एक दो नैपकिन ले लीजिए इस साइज के, इस साइज के मतलब यहां तक आ जाए, यहां से लेके यहां तक इतने साइज के नैपकिन गर्म पानी में डाल के निचोड़ लीजिए और दो मिनट के लिए इस तरह से रख लीजिए। भाप के द्वारा सारे छिद्र खुल जाएंगे और सारा पसीना अंदर का गंदगी निकल जाएगी, जितनी गंदगी होगी सब निकल जाएगी। फिर एक मिनट ठंडे पानी से, फिर दो मिनट गर्म एक मिनट ठंडा, दो मिनट गर्म एक मिनट ठंडा, तीन मिनट का, दस मिनट का प्रोग्राम है, दस मिनट के अंदर आप इसे कर लेंगे, आप देखेंगे जिस दिन आप करेंगे उसी दिन से नए पिंपल बनना बंद हो जाएंगे, तीन दिन के अंदर पुराने पिंपल खत्म होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल जड़ से मिटेंगे, एक सप्ताह के अंदर पूरे साफ हो जाएंगे। लेकिन अंदर का भी सुधारना है, ये ध्यान रखना है, अंदर का भी सुधारिए बाहर का भी सुधारिए, ये तो हो गए दो काम। जब भी आप गर्मियों में पसीना आता है धूप में से आते हैं तो सबसे पहले आप चेहरा धोइए, चेहरा धोएंगे तो वो पसीना से जो रुक गया है वो धूल के कण बैठ गए वो निकल जाएंगे, पसीना सूख गया है वो निकलना चाहिए, उसे आप निकाल दीजिए। एक और दी बेस्ट आइटम, बहुत अच्छी चीज नोट कर सकते हैं आप, मैंने दिमाग में आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है इसलिए आप नोट कर लेंगे, कोई सो तो नहीं रहा लेकिन सभी जग रहे हैं ना, नींद आ रही तो तकिया लाऊं हाँ तो मुझे देखिए, जरा मुझे देखिए, एक नाम ले रहा हूँ बहुत प्यारा नाम है, सबसे सस्ता नाम है, वो है नींबू। नींबू दुनिया का सबसे सस्ता ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड को प्योर करने का इतना बढ़िया सिस्टम, दी बेस्ट। आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, जिनको पिंपल्स हो रहे हो या खून खराब हो रहा हो या पेट साफ नहीं हो रहा है, खून खुले पानी में आप नींबू निचोड़िए, एक या दो गिलास धीरे धीरे पीजिए, पीने के स्टाइल को धीरे धीरे पीजिए। इसके बाद वो नींबू का जो छिलका है ना, नींबू का छिलका जब निचोड़ रहे थे आप तो यहाँ रस लग गया, इसको आप काजल की तरह आंखों में लगा लीजिए तो आपकी आंखों में जिंदगी में कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा किसी प्रकार, ना काला पानी होगा ना मोतियाबिंद होगा, कोई सी बीमारी नहीं होगी और आपका चश्मा भी उतर जाएगा, धीरे धीरे उतरेगा, नहीं तो पहले दिन लगाओ और चश्मा उतार दो ऐसा नहीं, चश्मा भी धीरे धीरे उतरेगा। आप रोज काजल दोनों आंखों में लगाएं, ऐसा नहीं कि मैंने एक आंख में दिखाया आप एक भी लगाएंगे दोनों में, और ऐसा भी नहीं करेंगे जल्दी उतारने के चक्कर में ड्रॉप डाल दें काजल की तरह लगाना है, नहीं तो आप ड्रॉप डाल दोगे तो आंख पूरी चली जाएगी ऐसा भी नहीं करना। और इसके बाद अभी नींबू बचा हुआ है, उस नींबू के छिलके को चेहरे पे लगाएं, और भी बचा है नींबू, यदि आपके छिलके में और रस है तो लड़कियों को एक बहुत प्रॉब्लम तुम्हें भी होगी, डैंड्रफ, नींबू में से तेल की तरह यहाँ ड्रॉप ले लीजिए नींबू की और यहाँ डाल करके पूरे लगा दीजिए, छिलके को रगड़ दीजिए पूरे, इसकी स्किन तक आ जाए नीचे तक कितना होना चाहिए, थोड़ा सा पानी मिला के फिर लगा दीजिए, 15 मिनट सूखने दीजिए इसे। एक काम आप ऐसा कर सकते हो, सुबह सुबह लैट्रिन जाने के पहले कर लो, इसके बाद लैट्रिन चले जाओ, झाड़ू पोछा करो, कोई काम करो, इसके बाद सिर धो लो, आपको जिंदगी में कोई शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन भी आपको बाजार की साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है आजकल बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे, शादी हुई नहीं बाल पहले ही गिर गए, चांद निकल आया,
शादी हुई नहीं अभी, अभी से ही बाल कम। इससे बचने का बहुत अच्छा तरीका है, आपके बाल काले बने रहेंगे, आपके बालों में कभी गिरेंगे नहीं, बच्चियों के लिए कभी डैंड्रफ नहीं होगा, शैंपू की जरूरत नहीं पड़ेगी और मार्केट की किसी साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली न्यू। ठंडों के दिनों में तो मुझे इतना फायदा होता है, मैं कभी मालिश नहीं करता तेल की, पूरी बॉडी पर एक नींबू रात को लगाता हूँ, पूरी बॉडी पर, सिर से शुरू पूरे में लगा दिया, मेरे गाल नहीं फटते, ओंठ नहीं फटते, मेरे पूरी ठंडों में ओंठ नहीं फटते, गाल नहीं फटते, पैर नहीं फटते, पीठ, आपने देखा कभी ठंडों के दिनों में आप जरा धूप में निकल जाओ पीठ में ऐसे सुई सी चुभती है, देखिए आपने, मुझे कभी नहीं। ये नींबू इतना अच्छा है, आप नींबू का इस्तेमाल करें। एक बीमारी तो बता दी आपकी, दूसरी चश्मे की है, चश्मा भी इसी से उतरेगा आपका, चश्मा पिएंगे तो खून साफ होगा तो भी आपका वो उतरेगा। मैंने क्या चश्मा पीने का कहा? तो चश्मा नहीं पीना, नींबू पीना, चश्मा उतरेगा। चलो इसके बाद यदि आप मेहनत कर सके थोड़ी जल्दी चश्मा उतारना हो तो जब तक आपका चश्मा नहीं उतर जाए तब तक आपको मुंह मैदा नहीं खानी है, नमक कम खाना है, नहीं खाए तो भी बेस्ट, शक्कर से आप बचिए, गुड़ खाइए। जिनको चश्मा उतारना हो काली मिर्ची जेब में रखे रहिए, जब याद आ जाए दो चार काली मिर्ची चूस लीजिए, थोड़ी चरबरी तो लगेगी लेकिन 3 महीने से 6 महीने के अंदर चश्मा उतर जाएगा आपका। साथ में ही मैंने क्या क्या बताया आपको खाने के लिए, काली मिर्च के पहले, हाँ मैदा नहीं खाना है, बेसन नहीं खाना है, अरहर की दाल बिल्कुल नहीं खाना है, उड़द की दाल छूना नहीं है आपको, मूंग की दाल खा सकते हो, नहीं तो सब्जी सलाद और सूप, सब्जी सलाद सूप, भर पेट खाइए, दाल चावल कभी मत खाइए, जिनको भी पिंपल हो रहे हो जिंदगी में दाल चावल मत खाइए। अपन सबसे ज्यादा ऐसे ही करते हैं, दाल ली 3 रोटी का उसमें हिलम कर दिया मैंने गला के, तो चावल भी ऐसे कर दिया है मिला के फिर उसको खा गए, बिल्कुल नहीं करना है। वैसे बच्चे ध्यान रखें सभी लोग, कभी भी दाल में, कढ़ी में, छाछ में रोटी को भिगो कर नहीं खाना, दूध में रोटी भिगो कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना। कई बच्चों को भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती तो क्या करते हैं, 4-6 रोटी, 2-4 रोटी जितनी वो जरूरत नहीं है तो अभी छाछ में गला दी, दाल में गला दी, अब वो पेस्ट बन गई, फटाफट भुटक गई। ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक, पूरी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इसका पूरा शरीर खराब हो जाएगा हमेशा। आपने कभी अंग्रेजों को देखा है और खाते को नहीं देखा, आपको अंग्रेजों का खाना थोड़ा गलत लगेगा लेकिन फिर रोटी का पीस पहले सूखा खाते मुंह, फिर चम्मच से दाल लेते हैं, चम्मच से सब्जी लेते हैं, पहले रोटी को पीस करते हैं, क्रश करते हैं मुंह के अंदर। तो आप लोग भी भोजन करते समय कोशिश करिए कि सूखी सब्जी से खाइए और दाल को पीसिए, मतलब उसके बाद पहले सूखा कोर सब्जी से चबा के खाइए, चटनी लगा लीजिए जो आपको लेना, इसके बाद आप छाछ को या जो भी ले रहे हैं क्या खा रहे हो दाल उसको बाद में ले लीजिए। चलिए ये दो बातें हो गई, आंख का इलाज, पिंपल का इलाज, बहुत है इसमें, बहुत है। इसके बाद एक और इलाज बताएंगे आपको, पढ़ाई आप जब करते हैं उससे आंखों का बड़ा नुकसान होता है, पढ़ाई जब करते हैं खासतौर से रात को 12-1-2 बजे तक आप पढ़ते हैं तो आंखें खराब होती हैं। आपने देखा हो कभी रात को 12-1 बजे तक जो लोग पढ़ते हैं उनका कैसा होता है, उनकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी जबरदस्ती आंख खोलना पड़ती है उन्हें, फिर किताबें देखते हैं, थकान हो रही है, अगले दिन पेपर देना है, पढ़ाई का लोड कर लिया, टेंशन कर लिया है, तो पढ़ना ही पड़ रहा है तो क्या करें। तो ध्यान रखें, आधा घंटा टेलीविजन देखने के बाद क्या करें, आधा घंटा कंप्यूटर चलाने के बाद क्या करें, और कंटिन्यू रात को 10 बजे के बाद, कंटिन्यू रात को 10 बजे के बाद आपको 2 बजे तक पढ़ना है, वैसे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए लेकिन यदि आप पढ़ रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखें, कंप्यूटर, टीवी और किताबें 10 बजे के बाद पढ़ना है। इन तीनों मामले में एक काम आपको करना है, भूलना नहीं, आंखें बचाने के लिए कह रहा हूँ, बाल बचाने के लिए कह रहा हूँ, बाल काले बनाए रखने के लिए कह रहा हूँ। ये मिट्टी के बर्तन में पानी रखे रहिए अपने पास, छोटा सा टॉवेल, रुमाल जो भी आपके पास हो, रुमाल चलेगा कोई दिक्कत नहीं, और इसका ये साइज ले लीजिए,
ये साइज, इतना साइज, और इसको आप उसमें भिगो के छोड़ दीजिए। हर आधा घंटे बाद जब भी आपको आंखों में जलन हो रही है, आंखें खोलने में दिक्कत आ रही है, सिर गर्म हो रहा है, चिड़चिड़ी आ रही है, थोड़ा आंख ऐसे खोलनी पड़ रही जबरदस्ती, तो इसको निचोड़ करके एक मिनट के लिए अपना सिर कुर्सी के पीछे कर लीजिए इस तरह, और इसको इस तरह से रख के छोड़ दीजिए। एक मिनट में रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे आप लोग कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें रिफ्रेश करना पड़ता है, देखा होगा, रिफ्रेशर है हमारे, ये रिफ्रेशर है, आप रिफ्रेश हो जाइए। यदि इसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरी नींद नहीं जा रही है, आंखों में जलन हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो फिर एक मग्गा पानी नीचे एक बाल्टी रख लीजिए, उसके ऊपर अपना सिर कर लीजिए, और मटके का पानी धीरे धीरे धार छोड़िए, धीरे धीरे सिर को गीला होने दीजिए, सिर का पानी निकल जाएगा, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी फिर भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहा हो, थका हो रहा हो, बहुत तकलीफ हो रही है उसको, तो फिर उसके लिए एक इलाज और करना पड़ेगा, एक टॉवल निचोड़ करके पेट पर बांध दीजिए और सिर धो लीजिए, तो काम साफ करिए। ये लेकिन लास्ट स्थिति है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो पेट और ठंड ठंडा से ये कर लेंगे तो आंखों की रक्षा भी होगी, बालों की रक्षा भी होगी, ब्रेन एकदम रिफ्रेश होगा और आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसके बाद आप लोग भोजन के लिए जाएंगे, मॉडर्न क्या कम्फर्ट जोन से बाहर निकल करके अच्छे से खाएंगे, चबा के खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, मुस्कुरा के खाएंगे, लड़ झगड़ कर खाएंगे नहीं, खिला कर खाएंगे और सूर्यास्त होने के पहले तक खाएंगे। जय जय।